औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है, आज इसकी एक्सरसाइज नंबर 4.5 करेंगे। इसके जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन है वो है 1, 7, 10, 11, 12, 14, 15 एंड 16। तो इट्स वेरी इजी एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 3x + 7। तो इसका हमने रिमाइंडर मालूम करना है जी। तो जो छोटी इक्वेशन है उसको हम पी एफ एक्स इक्वल एक्स प्लस 1 कर लेंगे, इसको हम पुट इक्वल टू 0। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 मीन एक्स इज इक्वल टू माइनस 1। तो ये जो एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 है, ये आप एफ ऑफ एक्स में पुट कर दें, ये एक्स माइनस 1 इसमें पुट कर देंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट 5। हैंस बाय रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर इक्वल टू 5 आ गया, ये वाला ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 7 है। तो ये पॉलीनोमियल जो है ये डब्ल्यू में है, ओमेगा में, तो हम एफ ऑफ ओमेगा या डब्ल्यू आप कह लें, तो ये और पी एफ डब्ल्यू ये है स्मॉल। हमने ये चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं, हम उसी तरह ही चेक करेंगे जैसे रिमाइंडर निकालते हैं। अगर रिमाइंडर आ गया तो फिर ये इसका फैक्टर नहीं है, अगर रिमाइंडर 0 आया तो फिर ये इसका फैक्टर है। तो पुट पी एफ डब्ल्यू ये जो है इक्वल टू 0, यहाँ से डब्ल्यू की कीमत आ जाएगी -2। ये जो गिवन इक्वेशन है पॉलीनोमियल इसमें हम पुट करेंगे, ये हमने पुट कर दी, इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद वी गेट 3। तो सो सिंस रिमाइंडर आ गया हमारे पास, ये रिमाइंडर आ गया, अगर रिमाइंडर 0 था देन ये फैक्टर था, अब ये फैक्टर, सो द फर्स्ट पॉलीनोमियल इज नॉट ए फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलीनोमियल, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, उसी तरह ही है, एफ ऑफ एक्स इक्वल एक्स की 4 + 2x³ + kx² + 3। पी एफ एक्स हम इसका नाम पी एफ एक्स दे लेंगे, इसको एफ ऑफ एक्स दे लेंगे, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। तो पुट रिमाइंडर के लिए पुट पी एफ एक्स इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो ये हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे 2, जैसे हम रिमाइंडर निकालते हैं। तो ये हमने रिमाइंडर निकालते ये हमने इक्वेशन आई, तो हमने रिमाइंडर हमें गिवन है जो कि 1 है, तो ये रिमाइंडर की जगह पे आर की जगह पे 1 पुट कर देंगे, ये वाला मैंने आर की जगह पे 1 पुट कर दिए, इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट के इज इक्वल टू -17/2। तो अब हम साइंटिफिक डिवीजन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो ये हम गिवन इक्वेशन है, दो रूट उसने दे दिए हमें, एक एक्स इज इक्वल टू 2 दिया है और एक एक्स इज इक्वल टू -3 है। तो हम इसको साइंटिफिक तरीके से स्टूडेंट्स इस तरह करेंगे कि ये हम लिख लेंगे ऐसे, ये सबसे बड़ी पावर उसका कोएफिशिएंट 2, फिर ये एक्स क्यूब का, अगर एक्स क्यूब ना होता तो 0 लिख लेना था, लेकिन एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 7 है वो लिखा है हमने, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट -4 है और एक्स का कोएफिशिएंट -27 है और जो कांस्टेंट है वो है ए -18। तो ये जो दो फैक्टर दिए गए हैं, तो ये जो पहला होता है इसको हम ऐसे ही नीचे उतार लेंगे, ठीक है जी। तो ये 2 हम इधर रखेंगे, ये जो पहला फैक्टर है इसको हम इधर रखेंगे, इसको वैसे का वैसे नीचे उतार लें आप, 2 सेम नीचे आ जाएगा। अब 2 2s are 4, इनको ऐड करें तो ये आ जाएगा 11। अब 11 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 11 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 22 आ जाएगा, 22 में से 4 निकालें तो ये आ जाएगा 18। 18 को आप फिर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 36। तो इसको अगर -27 + 36 तो ये आ जाएगा 9। तो 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करें, 9 2s are 18, तो ये हमारे पास ये वाकई फैक्टर है, 0 आ गया। अब हमारे पास ये दूसरा फैक्टर है एक्स इज इक्वल टू -3, तो इधर लिखेंगे -3 उसी तरह बिल्कुल, ये वैसे का वैसे सेम नीचे आ जाएगा, 2 3s are -6, 5 आ गया,
5 3s are -15 तो ये 3 आ जाएगा, 3 3s are -9 तो ये भी 0 आ गया। तो ये जो है ना इसकी पावर 4 थी, तो 2 टाइम्स हमने डिवाइड किया, पहले 2 से किया फिर -3 से। अब ये जो है ना ये जो चीज़ है ये रिमाइंडर है हमारे पास, क्वेश्चन इसको कहते हैं। तो ये आ गई 2x² + 5x + 3 ये इक्वल टू 0 रखेंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे जी। 2x² + 5x + 3 = 0, 3 2s are 6, 2 3s are 6, इसके हम फैक्टर बनाएंगे जो कि 2x² + 2x + 3x + 3 = 0, इन दो में से कॉमन आ गया जी 2x² 2x कॉमन आ गया, x + 1 + इनमें से 3 कॉमन आ गया तो x + 1 = 0, तो दोनों में से x + 1 × 2x + 3 = 0, दोनों फैक्टर को लहदा लहदा इक्वल टू 0 करेंगे, 2x + 3 इसको भी इक्वल टू 0, यहाँ से x = -1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा जी 2x = -3 और x = -3/2, तो इसका सॉल्यूशन सेट ये भी, ये जो दो गिवन है ये भी इसके सॉल्यूशन में है, 2 -3 ये -1 है और ये -3/2। तो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन सेट आ गया लेकिन उसने हमें फैक्टराइजेशन पूछी हुई है, हेंस तो ये जो फैक्टराइजेशन है x² + 2x³ + 7x³ - 4x² - 27x - 18 = तो एक तो ये 2 वाला इधर आ जाएगा, 2 वाला इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा x - 2, अगेन ये -3 है, ये वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा x + 3 और 2 फैक्टर ये है, एक ये है x + 1 और 2x + 3, x + 1 और 2x + 3, तो ये इसकी ना फैक्टराइजेशन इसकी ये आ गई है, ये इसकी फैक्टराइजेशन।